सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सालू नेगी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छी सी धूप लगी हुई है, ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अभी मैं गौशाला गई थी भैंस को अंदर बांधने, तो गौशाला के काम काज निपटा के मैं घर आ गई हूँ। और अभी मेरे हाथ में है सब्जी, हरी सब्जी, और ये जंगली सब्जी है और इसको ना ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको एक बार उबालना पड़ता है, फिर अच्छे से निचोड़ना पड़ता है, तब जाके इसको बनाते हैं। और जो इससे निकला पानी होता है ना, जो सब्जी निचोड़ के जो पानी होता है, उसको लोग दवा के रूप में भी यूज़ करते हैं। बाकी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है, लेकिन ये बहुत कड़ी होती है। दूर जंगलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये सब्जी पाई जाती है, लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं है। त्रिपाल में गेहूँ सुखाने के लिए डाल रखे हैं और इधर साइड लिपाई पुताई कर रखी है गोबर मिट्टी से अच्छी तरह से। गौशाला से मैं गोबर लेके आई हूँ और यहाँ पर इन गड्ढों में ना सरसों के दाने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिपाई कर लेती हूँ। दिन के 11 बज रहे हैं और आज भी हमारे गांव में सब्जी वाले आ रखे हैं, सब्जी का ट्रक आ रखा है, तो हम लोग भी सब्जी लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं, सब्जी लेके मैं आ गई हूँ और अब जल्दी से दिन का खाना बना लेती हूँ। माँ तो जंगल गई हुई है, तो माँ भी जंगल से घर आने वाली है, तो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी मैं और माँ जा रहे हैं बांझ के लिए। चाची अनाज कूट रही है ओखली में गिंजाई से। अपने खेत में हम लोग आ गए हैं और वहाँ पेड़ पर जा रही है बांझ काटने के लिए। बांझ काट दिया है और मेरा काम है इसको इकट्ठा करना, तो जल्दी से इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। कुछ बांझ ना यहाँ नीचे गिर गया है, तो उसको भी लेके आती हूँ। भारी लगा के माने तैयार कर ली है और इसको मैं ले जाती हूँ। इतना बड़े लाइट मनोयो की चढ़म उठने के ये थमा भी। अब यहाँ से माँ गौशाला ले जाएगी भारी और मैं जाऊंगी घर की ओर। चाची ने भी घास की कंडी निकाल दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय देव भूमि उत्तराखंड।